एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि घर पे रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस किस एरिया का रेनोवेशन होने वाला है और इस रेनोवेशन के लिए मैंने अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर किया है। तो रेनोवेशन से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा है, वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देर नहीं करते, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में एक बेल आइकन उसको ऑन करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा लिविंग रूम, जो कि आप लोगों ने हमेशा मेरी वीडियो में देखा था। इसको मैंने खाली कर दिया है, सोफे वगैरह भी हटा दिए हैं और इसकी टाइल्स वगैरह लगेगी, तो पूरा रूम हमें खाली ही करना था। साथ में ये है पूरा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे भी पूरे में टाइल्स वगैरह लगेंगी, फ्लोर की ही होगी रेनोवेशन। देखिए मेरी जिम्मी कितने आराम से यहाँ पे बैठी हुई है। साथ ही साथ जो दोनों कमरे हैं, मंदिर वाला रूम पूरा रेनोवेट होगा। इस तरफ से जो स्टेयर्स और जो गैलरी वाला एरिया है, यहाँ पे भी पूरा रेनोवेशन का काम होगा। इसीलिए मुझे जितना भी अपना बड़ा आइटम है उस सब को यहाँ से हटाना है, क्योंकि टाइल्स के लिए मुझे पूरा रिमूव करके देना होगा। साथ ही साथ होगा मेरे ऊपर के रूम के रेनोवेशन, ये भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। इसके बाद जो बाहर आउटडोर वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी होगा। ये है लॉन का एरिया, यहाँ पे जितने भी बड़े मेरे अशोक वगैरह के जो पेड़ थे उसमें दीमक लग गई है, तो वो भी सब मुझे रिमूव कराना है। और ये एरिया भी पूरा क्लीन करा करके, यहाँ की भी थोड़ी सी रेनोवेशन होगी तो इसको भी मुझे साफ़ कराना था। तो जितने भी बड़े बड़े पेड़ वगैरह थे और जो मेरी बेल लगी हुई थी इतनी सुंदर, उसको भी मुझे कट करके यहाँ पर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सारे पेड़ वगैरह जो है कट हो गए, और देखिए कितने बड़े बड़े मेरे अशोक के पेड़ थे, सारे ख़राब हो गए थे नीचे से। और मनी प्लांट मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, इसको भी मुझे रिमूव कराना पड़ा। तो जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे उन सबको मैंने यहाँ पे कट करा दिया है। और बेल देखी कितनी बड़ी और भारी हो गई थी, ऊपर पूरा एरिया क्लीन हो गया, खाली हो गया था। ऊपर का भी रेनोवेशन कराना है, इसलिए थोड़ा सा मुझे इसको बेल को भी कट करके यहाँ पे निकालना था। और ये इतनी भारी थी कि भैया से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको बाहर निकालने में। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करी, उसके बाद का देखिए रिजल्ट ये था। पूरा जो भी मेरा लॉन का एरिया था वो बिल्कुल क्लीन हो गया था, जिससे कि कोई काम हम करें तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरीके से बाहर का भी पूरा एरिया जो है वो क्लीन कर लिया था। जितने भी मेरे प्लांट्स वगैरह हैं उन सबको मैं शिफ्ट कर दूंगी, कुछ अपने नेबर्स के यहाँ पे कर दूंगी और कुछ यहीं पे रहने दूंगी। रेनोवेशन स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहले माइंड के अंदर आया वो था डिफाइंड अ गोल। तो जो भी हम लोगों को डिसाइड करना था वो हम पहले ही कर चुके थे, हमें कहाँ कहाँ का कंस्ट्रक्शन कराना था, किस किस एरिया को किस तरीके से चेंज करना था। तो सारा जो पिक्चर थी वो क्लियर थी कि यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें हमें करानी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था कि हमें काम को किस तरीके से कराना है और कहाँ का कराना है। तो सेकंड पॉइंट है मेरा बजट। तो बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी रेनोवेशन स्टार्ट करते हैं तो हर कोई पहले बजट ही अपना डिसाइड करता है कि इतने बजट के अंदर हमें ये सारा काम कंप्लीट कराना है। तो वो भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया है कि हमें कौन सा काम कितने बजट के अंदर कंप्लीट कराना है, कि हमारा काम बाद में ओवर बजट ना हो। तो अगर हम बजट को पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे तो हमारा काम बहुत ही ईजी तरीके से होगा और हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे जितने टाइम हमारा रेनोवेशन का काम चलता रहेगा। तो इसके बाद आता है रेनोवेशन की प्लानिंग। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी हम रेनोवेशन कराएंगे या फिर मैंने जो प्लानिंग करी है वो पहले से ही डिसाइड करा हुआ है कि मुझे कहाँ कहाँ का रेनोवेशन में क्या क्या चेंजेस कराने हैं, काम कैसे होगा, कितने टाइम में होगा और उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करी हुई होंगी तो हम बहुत ईजीली ही रेनोवेशन को कम्प्लीट करा सकते हैं। इसके बाद आता है हायर प्रोफेशनल। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपने काम से पहले किन किन को हायर करना है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया, आर्किटेक्ट है, ये डिज़ाइनर वगैरह। वो डिपेंड करता है काम के ऊपर कि हमारा काम किस लेवल पे है, हमें किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अपने रेनोवेशन के टाइम पे। तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कम्प्लीट कर चुकी हूँ कि मुझे किन किन लोगों की ज़रूरत है अपने रेनोवेशन के टाइम पर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए वो है कलेक्ट आइडियाज़। जहाँ जहाँ का भी चेंजेस कराने हैं, रेनोवेशन कराने हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड करके रखूँगी ही। वेबसाइट से आजकल बहुत अच्छे अच्छे से ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या फिर किसी भी ऐप के थ्रू कि मुझे कहाँ पे किस तरीके से डिज़ाइन बनवाना है, कौन सा काम किस तरीके से ईजिली हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही अगर प्लान हो तो फटाफट से जिनको भी हम हायर करते हैं तो उनको बताने में भी ईजी हो जाता है, या फिर आप कोई भी वीडियोस फोटोज उनकी निकाल के रख लीजिए, जिससे कि इजी हो जाए हमारे लिए भी और जिनसे हम अपना काम करवा रहे हैं उनके लिए भी।
इन द स्पेस, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क हो गया इस रेनोवेशन के टाइम पे, क्योंकि सारी चीज़ों को हटाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, और जितनी भी हमारे घर के अंदर बहुत ही वैल्यूएबल आइटम्स हैं तो उनको कवर करके रखना या फिर कहीं पे भी स्टोर करके रखना, तो ये सारी चीज़ें अगर रेनोवेशन से पहले ही हो जाएँ तो भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है रेनोवेशन के टाइम पर। है स्टोरेज, तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सामान के लिए भी। इवन जो भी मटेरियल आएगा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, रेनोवेशन के टाइम पे, तो उन सब चीज़ों के लिए भी अगर हम पहले से ही स्टोरेज बना के रखेंगे तो हमें भी इजी हो जाता है, और जो हमारे साथ काम करते हैं रेनोवेशन के टाइम पे उन लोगों को भी ईजी हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस तरीके से स्टोरेज बनाने की कि जहाँ पे हम लोग अपना आराम से मटेरियल वगैरह जो है वो अरेंज कर सकें। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं या फिर किसी को भी हम हायर कर रहे हैं, तो उससे हम अगर अच्छे से एकदम क्लियर अपनी बात रखेंगे कि हमें ऐसा अपना सामान रखवाना है या ऐसी चीज़ हमें बनवानी है, तो ये सारी चीज़ें अगर पहले से ही क्लियर होंगी तो बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी और हमारा जो काम है वो हमारे हिसाब से बहुत ही आसान से होगा। उसके बाद आता है अनएक्सपेक्टेड डिलेज, क्योंकि कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने सोचा हुआ है कि मेरा काम जो है वो 2 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बट मुझे काम को देख के ऐसा थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि मेरा काम 2 महीने में ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए भी मैंने प्लानिंग अपनी पूरी कर रखी है, क्योंकि जो चीज़ मुझे पहले ज़रूरी है तो वो काम मैं पहले अपने फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी उसको कंप्लीट कराना है, तो मैं उसी काम को पहले कराऊंगी। तो उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है कि अगर हमारा कोई काम डिले होता है या हमारा टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो उसके साथ भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है या फिर पैनिक नहीं होना है। बाद आता है टेम्परेरी लिविंग अरेंजमेंट। अगर हो सकता है तो अपने आसपास में ऐसा अरेंजमेंट आप रख लीजिए कि अगर रेनोवेशन के टाइम पे आपको थोड़े दिन के लिए कहीं शिफ्ट होना पड़े या फिर अपने सामान को एडजस्ट करना पड़े तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मेरा जो रेनोवेशन का काम है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मुझे या तो अपना सामान कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर खुद भी हो सकता है एंड में शिफ्ट करना। ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेनोवेशन के टाइम पे आई होप आप लोगों को भी मदद करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो चुका है तो हर घर में रेनोवेशन का काम ज़रूर होता है। तो मेरा तो शुरू हो गया है, आई होप अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे आपके रेनोवेशन के टाइम में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।